दूसरे T20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित। हार के बाद खुद BCCI ने खुद बनाई प्लेइंग 11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका WIP TV के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच टीम इंडिया बड़े ही शर्मनाक तरीके से हार गई। इस हार की सबसे बड़ी वजह रही टीम मैनेजमेंट का सही प्लेइंग 11 का चयन न करना, पिच के हिसाब से सही 11 खिलाड़ियों को जगह नहीं देना टीम इंडिया पर भारी पड़ गया। इसलिए इस बार दूसरे मैच के लिए खुद BCCI ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का चयन किया है और पिच के हिसाब से बेस्ट 11 खिलाड़ियों को मौका दी है। तो दोस्तों, आपको बताएंगे उन खतरनाक 11 खिलाड़ियों के बारे में जिसे BCCI ने दूसरे T20 के लिए चुना है। दोस्तों, इस बार भूखे शेरों की वापसी टीम इंडिया में हुई है, तो ऐसे में टीम इंडिया की जीत पक्की है। तो इस खबर को पूरा जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वही दोस्तों, क्रिकेट जगत से जुड़ी और भी काफी बड़ी बड़ी खबरें इस वक्त निकल कर आ रही है, तो इस खबर के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिसमें दूसरी खबर ये होगी, रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर देख सहवाग ने किया टीवी ऑफ, नहीं देखा पहला T20। जी हाँ दोस्तों, रोहित को नहीं खिलाने से सहवाग गुस्से में आ गए हैं। इस खबर को पूरी विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वही तीसरी खबर में बात करेंगे क्या मुंबई इंडियंस से जलते हैं विराट कोहली। रोहित और सूर्यकुमार यादव को पहले T20 से बाहर करने पर भड़के फैंस। तो दोस्तों, इन तीनों ही खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं भारतीय टीम दूसरे T20 में अंग्रेजों को हरा कर पहली हार का बदला ले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने काफी बुरा खेल दिखाया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों एरिया में भारत ने काफी गलतियां की। टॉस हारकर पहले खेलते हुए भारतीय बल्लेबाज एकदम बेरंग दिखे। पूरे 20 ओवर में टीम ने 7 विकेट पर 124 रन ही बनाए। तो ऐसे में इस तरह के छोटे लक्ष्य को बचाने के लिए जरूरत होती है कि फील्डिंग में जान लगा दी जाए। केएल राहुल ने ऐसा ही एक कोशिश बाउंड्री के पास की थी, लेकिन बाकी खिलाड़ी में ऐसी एनर्जी नहीं दिखी। हद तो तब हो गई जब शार्दुल ठाकुर ने 30 गज के दायरे में घटिया फील्डिंग की। इसके चलते इंग्लैंड को आसान सा चौका मिल गया। ठाकुर की गलती बच्चों जैसी थी। वही इस मैच में भारतीय टीम की शर्मनाक हार का सबसे बड़ा कारण विराट की गलत रणनीति थी। शर्मनाक हार के बाद कप्तान विराट कोहली की रणनीति और उनके फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। मैच से पहले ही उन्होंने गलत फैसले लिए जो भारतीय टीम के हार की वजह बनी। पहले तो उन्होंने फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर रोहित को ही बाहर कर दिया। वहीं दोस्तों, कोहली पिच को भी अच्छे से नहीं पढ़ पाए और 3 स्पिन गेंदबाजों को इस मैच में उतार दिए, जबकि कोहली के मुकाबले इंग्लैंड ने इस भारतीय पिच को अच्छे से पढ़ा और एक सही प्लेइंग 11 मैदान में उतारा। भारत ने जहां 3 स्पिनर खिलाए, तो इंग्लैंड ने 3 तेज गेंदबाज खिलाए और यही तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की लूटिया डुबो दिए। अब दोस्तों, ऐसे में BCCI ने दूसरे T20 मैच के लिए खुद प्लेइंग 11 की घोषणा की है और इस बार विराट वाली गलती BCCI ने नहीं दोहराया है। BCCI ने सबसे पहले रोहित को इस मैच में जगह दी है और उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी दी है। तो वही रोहित के साथ केएल राहुल को मौका दिया गया है। मतलब दोस्तों, इस बार एक धाकड़ ओपनिंग जोड़ी मैदान में पारी की शुरुआत करेगी। दोस्तों, रोहित के आने से शिखर धवन को इस मैच से बाहर बैठना पड़ेगा। तो वही तीसरे नंबर पर कप्तान कोहली खुद बल्लेबाजी करने आएंगे और उम्मीद है वे इस बार शून्य में आउट नहीं होंगे। दोस्तों, चौथे नंबर पर BCCI ने श्रेयस अय्यर को जगह दी है। अय्यर ने पहले ही मैच में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अंग्रेजों में खौफ पैदा कर दिया है। उनके दम पर ही भारतीय टीम 100 रन के आंकड़े को पार कर पाई और उम्मीद है कि वे दूसरे मैच में भी ऐसा ही बल्लेबाजी करेंगे। वही दोस्तों, पांचवे नंबर पर ऋषभ पंत एक बार फिर तूफानी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, जबकि छठवें नंबर पर हार्दिक पांडे के ऊपर टीम को संभालने की जिम्मेदारी होगी और टीम तेज गति से रन बनाने की उम्मीद करेगी, क्योंकि वे पहले मैच में एक अच्छी पारी नहीं खेल पाए थे। वही बॉलिंग में भी उनसे कमाल करने की उम्मीद फैंस कर रहे हैं। वही गेंदबाजी की बात करें तो युजवेंद्र चहल को दूसरे T20 से बाहर कर दिया गया है। वे पहले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे। तो वही बाकी के इस बार रणनीति में बदलाव करते हुए 2 स्पिनर के साथ ही उतरने का प्लान बनाया है, जबकि 3 गेंदबाजों को इस मैच में मौका दिया गया है। स्पिन में सुंदर और अक्षर को शामिल किया गया है, जबकि तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर तो खेलेंगे ही, साथ में मोहम्मद सिराज को भी मौका दिया गया है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं दूसरे T20 की प्लेइंग 11 कैसी है। वही दोस्तों, बात करें दूसरी खबर की, तो रोहित शर्मा प्लेइंग 11 से बाहर देख सहवाग ने किया टीवी ऑफ, नहीं देखा पहला T20। रोहित शर्मा मतलब क्रिकेट का हिटमैन।
अब जब क्रिकेट में हिटमैन सो ही नहीं होगा तो उसका मतलब ही क्या, उसे देखने का फायदा ही क्या। क्या होगा फिर देखकर जब बड़ी पारियों और लंबे छक्कों की बौछार ही देखने को ना मिले। इससे तो अच्छा यही है कि टीवी बंद कर दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर रहे वीरेंद्र सहवाग ने किया। जब इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में कप्तान विराट कोहली ने रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में नहीं रखा तो सहवाग गुस्से में अपना टीवी ही बंद कर दिए। सहवाग ने कहा कि मैं भी रोहित शर्मा का बड़ा फैन हूँ, उन्हें खेलते देखना चाहता हूँ, मेरे लिए वो नहीं खेलेंगे तो मैं टीवी ऑफ कर दूंगा, मुझे फिर मैच देखने का कोई मजा नहीं रह जाएगा।